हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फोर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिलाइजेशन पार्ट 2 करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड आदिवासीज। तो देखिए, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं या आदिवासीज हैं, यानी जो मार्जिलाइज कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो है क्या है, कुछ लॉज हैं। सो इन एडिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेवरल लॉज हैज बीन एनेक्टेड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ मार्जिलाइज कम्युनिटीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अलावा भी कुछ लॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं हमारी कंट्री में जो कि बनाए गए हैं इन मार्जिलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि इनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनके साथ कोई भेदभाव ना हो और इनका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। देयर आर प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रुप, सम ऑफ दीज आर। सो कुछ प्रोविजन है, ठीक है। तो द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये 1989 जो है उसके बारे में बताया गया है कि 1989 में एक लॉ जो है वो दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू एस सी एस टी टू ईट और ड्रिंक एनी इन एडिबल सब्सटेंस। कि किसी भी अगर कोई एस सी एस टी है तो इसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को जो है किसी भी तरह का इनएडिबल सब्सटेंस वो नहीं पिलाया जा सकता, उसको किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु फोर्सिबली रिमूव क्लॉथ्स ऑफ ए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन और परेड सिम हर नेक्ड ऑफ पेंट हिज फेस एंड डू एनी एक्ट दैट हर्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पनिशमेंट का प्रोविज़न है, अगर कोई भी इस तरह के जो मार्जिलाइज कास्ट हैं लाइक शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इन लोगों को किसी भी तरह का फोर्स करते हैं, इन जो है अगर क्लॉथ्स रिमूव करवाते हैं या इनके फेस को पेंट करके इनकी डिग्निटी को हार्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु ऑक्यूपाई द लैंड अलॉटेड इन द नेम ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे लोगों के लिए प्रोविज़न इसमें पनिशमेंट का है कि जो इन लोगों की जो ज़मीन है जो इनको अलॉट की गई है वो जबरन जो है लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु अटैक और फोर्स अ वूमेन ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ह्यूमिलिएट और डिसऑनर हर। इसमें ये प्रोविज़न है पनिशमेंट का कि जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, उन कास्ट को अगर अटैक करते हैं, वुमेन जो है उनके ऊपर अटैक करते हैं या उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको डिसऑनर करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो है ये पनिशमेंट जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग है। दिस लॉ वॉज एनेक्टेड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ दीज कम्युनिटीज़। सो ये लॉ जो दिया गया 1989 में, वो जो कम्युनिटीज़ हैं इनकी डिमांड पर दिया गया था। दिस लॉ लेस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजिकली फ्रेटेंड एंड मॉरली रिपेरिसेबल इंसल्ट। इट्स पर्पज वॉज टू ब्रिंग गिल्टी पीपल बिफोर द लॉ। तो ये जो लॉ है इनका मेन पर्पज क्या है कि जो लोग इनको डराते हैं, धमकाते हैं या जो गिल्टी हैं उनको लॉ के फ्रंट जो है लेकर आना है, यानी उनको पनिश करवाना है। नेक्स्ट देखिए, डिमांड्स ऑफ आदिवासीज एंड एक्ट ऑफ 1989। आदिवासी जो मार्जिलाइज पीपल हैं उनकी क्या क्या डिमांड हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सो द 1989 एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर वन मोर रीजन एज आदिवासी एक्टिविटीज एक्टिविस्ट रिजॉर्ट टू दिस लॉ टू रिस्टोर देयर ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड। तो जो आदिवासीज हैं वो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो उनकी लैंड ऑक्यूपाई हो चुकी है उसको वापस लेने की बात करते हैं। द लैंड ऑफ द ट्राइब कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड टू अ नॉन ट्राइबल पर्सन वेयर एज दिस हैज हैपेंड दे शुड गेट देयर लैंड बैक टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली क्या है कि जो ट्राइब पीपल हैं उनकी जो लैंड है वो उस किसी दूसरे ट्राइब पीपल को ही जो है सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी नॉन ट्राइब पीपल को यानी जो आदिवासी नहीं है उसको वो नहीं बेच सकते। और अगर ऐसा हुआ है तो वो अपनी लैंड वापस ले सकते हैं और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी कहती है।
नेक्स्ट देखिए, ट्राइबल एक्टिविस्ट सी के चानू एलेजेस दैट द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट आर ऑल्सो नॉट बिहाइंड इन वायलेटिंग द लैंड ऑफ द नेम ऑफ टिम्बर ट्रेड, पेपर मिल एटसेट्रा एंड टू डिसलोज द ट्राइबल्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। इसमें क्या कहा गया है कि ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं कार्यकर्ता सी के चानू, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ही ये ब्लेम लगाया है कि जो गवर्नमेंट है ठीक है वही उनके जो रूल्स है वहाँ की जो गवर्नमेंट है स्टेट की वही जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं करती है। कैसे कि जो कभी जो है टिम्बर ट्रेड के नाम पे कभी पेपर मिल के नाम पे एक्सप्लॉयट करती है उनकी लैंड का, और जो उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल आर बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय डिक्लेयरिंग देम एज रिजर्व और सेंचुरी। सो इसके अलावा पीपल आर बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, पीपल जो है उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, कभी फॉरेस्ट को सेंचुरी बनाकर कभी उसको रिजर्व बनाकर, तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। मिस चानू आल्सो शेज दैट वेन द गवर्नमेंट कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट ऑन द लैंड टेकन अवे फ्रॉम द ट्राइबल्स, देन वाई हेजिटेट टू स्पेंड अ लिटिल टू रिहैबिलिटेट दीज डिसप्लेस्ड पीपल। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इतना सारा पैसा खर्च करती है इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट के ऊपर जब उनसे लैंड लेकर प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा पैसा और लगाकर जो जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा पैसा लगाकर उनको जो है एक रहने के लिए घर जो है इस तरह से क्यों नहीं उनको रिहैबिलिटेट कर पाती है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन प्लांटिंग सैपलिंग एंड राइट डाउन व्हाट डैमेज कैन बी कॉज बाय कटिंग ट्रीज। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर जो है अपनी जो है लगा सकते हो जिसमें आप पौधा लगा रहे हो, और साथ में आपको लिखना है कि क्या क्या जो डैमेज है दे कैन बी कॉज बाय कटिंग ट्रीज, अगर ट्रीज जो है उनको कट करते हैं तो क्या क्या उनसे हार्मफुल हो सकता है, क्या क्या जो है उससे हो सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। अब देखिए जो एक्टिविटी है बच्चों उसमें आपको लगाना है और आपको लिखना भी है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। जो अगर हम ट्रीज कट करते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ये वर्कशीट आपको, ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, तो पॉल्यूशन हो जाता है, ऑक्सीजन जो है हमें फ्री जो अच्छा एनवायरनमेंट वो है वो हमें नहीं मिलता। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो फ्लड है वो आती है ठीक है ना, क्योंकि जो पेड़ हैं वो सॉइल को बांध के रखते हैं। तो ये सारे जो है पॉइंट्स लिख देंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट वाज द नीड ऑफ एनेक्टिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लॉ। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए लॉ की जो है क्या जरूरत पड़ी। सो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इन एडिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज सेवरल लॉज हैव बीन एनेक्टेड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ मार्जिलाइज कम्युनिटीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लिख देंगे कि उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए लॉज की जरूरत पड़ी। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे, What are the main points of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act? तो main points क्या हैं? तो बेटा देखिए ये complete जो है आपको लिखना पड़ेगा, ये provision number 1 point है, number 2 point, number 3 and number 4 point, तो ये 4 point आपको इसमें करने हैं। Next देखिए, अगर question number 3 है, Why should the tribes get their land back? तो उनको जो है अपनी लैंड वापस क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि एक नॉन ट्राइबल पीपल जो है वो नॉन ट्राइबल को ही, एक ट्राइबल जो है वो दूसरे ट्राइब को ही अपनी लैंड जो है वो सोल्ड कर सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनको उनकी लैंड वापस मिलनी चाहिए। सो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, द लैंड ऑफ द ट्राइब कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड टू ए नॉन ट्राइबल पीपल, where this has happened they should get their land back to maintain the dignity of the constitution. Next देखिए question number 4 है, according to your experience what are your suggestion to help the आदिवासी। आपके experience के according आप क्या suggest करोगे कि आदिवासी people जो है उनकी help कैसे हो। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका answer। So यहाँ से आप इसका answer करेंगे, first point आप लिखेंगे basic facilities should be developed in आदिवासी areas, आदिवासी एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए।
सेकेंड टू प्रमोट एजुकेशन इन आदिवासी एरियाज एंड थर्ड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी एस्टेब्लिश इन आदिवासी एरियाज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।